नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम आपको दुनिया में मौसम का खेला दिखाएंगे। जहां कभी भयंकर ठंड पड़ती थी, वहां पर आज भयंकर गर्मी पड़ रही है। कहीं सूखे के हालात हैं तो कहीं 50 डिग्री का टॉर्चर है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जापान। यहां 2011 की तबाही लोगों को फिर से याद आई। जापान के अटामी शहर में 2011 की सुनामी की तरह ही मकान और कारें सब सैलाब में बह गए। रिपोर्ट देखिए। जापान में 10 साल बाद फिर से तबाही। एक नहीं, दो नहीं, कई घर जलमग्न, मलबे में कारें बही, जिंदगी सहम गई। जापान को फिर से याद आई 2011 की सुनामी। जापान में 10 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया। जापान की इस तस्वीर ने यहां रहने वाले लोगों को 2011 की सुनामी याद दिला दी। दो हजार ग्यारह में जापान में पहले भूकंप और फिर आई सुनामी से तबाही मची थी। वहीं 2021 में जापान में सड़क पर पहाड़ों से आया ये मलबा ठीक सुनामी की तर्ज पर ही अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। रास्ते में जो कुछ भी आया वो प्रचंड वेग में टूटता चला गया, बहता चला गया। ये तबाही जापान के अटामी शहर में मची। यहां कई दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुआ और देखते ही देखते आधा शहर पानी और मलबे में समा गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे तेज बहाव की वजह से देखते ही देखते कई घर टूटकर बहते चले गए। कहीं पर कार मलबे में समा गई तो कहीं पर सड़कें टूट गई, बिजली के खंभे तक टूट गए। इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस कार सवार को भी देखिए, सामने से मलबा आता देखकर ये व्यक्ति अपनी कार को यहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही तबाही फिर से आती है और अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ जाती है। खबर है कि जापान में 2021 की इस तबाही से अटामी शहर में 22 लोग लापता हो गए। उन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। यहां नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है अभी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। वैसे जापान का यह अटामी शहर पर्यटन के लिहाज से विश्व विख्यात है, लेकिन 2021 में आई इस आफत से शहर का पूरा नक्शा ही बदल गया। यहाँ के रिहायशी इलाकों से लेकर शॉपिंग स्ट्रीट, गर्म पानी के झरने, सारे तीर्थ स्थल, हर तरफ बस बर्बादी का मंजर दिखा। जापान के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण टोक्यो के आसपास बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है और इस खतरे के बारे में सोचकर जापान के लोग अभी से डरे सहमे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जापान में सैलाब है, तबाही का मंजर है। और वहीं कनाडा को आमतौर पर आप ठंडे मौसम के लिए जानते हैं। कनाडा का तापमान आम दिनों में 24 डिग्री के आसपास रहता है,
लेकिन मौसम के बदलते मिजाज की वजह से कनाडा का तापमान हिंदुस्तान के कई गर्म शहरों के तापमान को भी पार कर गया है, जिसकी वजह से कहीं पर आग लग गई है तो कहीं पर लोग गर्मी से बचने के लिए वाटर शार का सहारा ले रहे हैं। गर्मी से सिर्फ पसीना ही नहीं छूटता है, गर्मी से आग भी भयंकर लगती है। कनाडा के एक शहर में भीषण आग, जंगल का बड़ा हिस्सा आग में खाक। जंगल में आग क्यों लगी, इसकी वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कनाडा में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इसी गर्मी का खौफनाक नतीजा लिटन शहर के पास जंगलों में लगी ये भीषण आग है। यहाँ 44 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं के कारण देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से में आग फैलती चली गई। आग इतनी ज्यादा फैली कि उसे बुझाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। आग लगने के कारण आसपास के इलाके में रहने वाले 80 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। ये उस कनाडा का हाल है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा देश माना जाता है, जहां बर्फबारी भी जमकर होती है, लेकिन इस वर्ष गर्मी ने यहां सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मंगलवार को तो यहां का तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले कनाडा में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था। कनाडा में हीट वेव यानी ऐसी लू चली कि इसके कारण कई लोगों की मौत भी हुई। इसका असर क्या हो रहा है आप आगे की तस्वीरों में भी देखिए। सड़कों पर हीट हेल्प सेंटर, गर्मी से बचने के लिए शावर, स्प्रिंकलर, समंदर के किनारे लोगों की भीड़। कनाडा के लिटन शहर में आसमान से बरसती इस आग से बचने के लिए बस पानी ही सहारा है। वैसे मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से और कनाडा में भयंकर गर्मी पड़ने की बड़ी वजह हीट डोम है। हीट डोम यानी सूरज की गर्मी से किसी क्षेत्र में हवा का उच्च दबाव बन जाना, जो नए वेदर सिस्टम को एंट्री नहीं देता और हवाएं लगातार गर्म बनी रहती हैं। और कनाडा में भी ऐसा ही हीट डोम बना जिससे यहां इस साल प्रचंड गर्मी पड़ रही है। वरना आप सोचिए, आम दिनों में जिस कनाडा का औसत तापमान महज 24 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी कनाडा में इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ी, जिसके कारण कनाडा में अब तक 233 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कनाडा ही नहीं, अमेरिका में भी इन दिनों गर्मी से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है, आधा कैलिफोर्निया सूखे की मार झेल रहा है। कैलिफोर्निया में आलम यह है कि यहां प्राकृतिक जल स्रोतों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और बिना सरकार की अनुमति के यहां के जल स्रोतों से आम लोग पानी नहीं ले सकते। सूखे का संकट कितना विकराल हो चला है, इसका अंदाजा आप कैलिफोर्निया की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में प्रचंड गर्मी से हाहाकार, आधे कैलिफोर्निया में सूखे का आपातकाल। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा गर्मी की मार झेल रहा है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इस बात की गवाह हैं कि अमेरिका में हालात बेहद गंभीर हैं। ये अमेरिका में कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं। यहाँ भीषण गर्मी की वजह से सूखा पड़ रहा है। बस इलाके का छोटा सा हिस्सा ही हरा भरा दिखाई दे रहा है और बाकी का हिस्सा वीरान और बंजर। दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं। यहाँ सूखे के बीच पानी की ऐसी किल्लत हुई कि सरकार ने सभी जल स्रोतों पर अपना नियंत्रण कर लिया और अब इसके बाद बिना सरकार की अनुमति के नदियों, झरनों या तालाब से आम लोगों का आसानी से पानी ले पाना मुश्किल हो गया है।
कैलिफोर्निया में 58 काउंटी हैं, इनमें से 41 काउंटी में सूखे के बाद इमरजेंसी घोषित की गई है। यहाँ वर्ष 2015 में भी कुछ ऐसा ही संकट आया था। तब कैलिफोर्निया के उस समय के गवर्नर जेरी ब्राउन ने लोगों को पानी के इस्तेमाल में कटौती करने का बाकायदा आदेश जारी किया था। अब कैलिफोर्निया से आई इस तस्वीर को भी देखिए। कैलिफोर्निया के दूसरे सबसे बड़े जल स्रोतों में से एक लेक ओरोविल की तस्वीर है। इस लेक के जलस्तर को देखकर आप यहां सूखे के संकट का अंदाजा लगा सकते हैं। ये झील कभी पानी से लबालब भरी रहती थी, लेकिन अब ओरोविल में सिर्फ 35% ही पानी बचा है। छिछले पानी में हाउस बोट खड़ी है और हर तरफ सूखे के हालात हैं। बड़ा नुकसान यहाँ की खेती पर भी पड़ा है। अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के सिएटल में। पिछले कुछ दिनों से सिएटल का तापमान 40 डिग्री से अधिक है, जो सामान्य तापमान के मुकाबले 3 डिग्री ज्यादा है। तापमान के लगातार बढ़ने से यहाँ के लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अमेरिका में इस हफ्ते कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, तब हो सकता है लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिले। लेकिन फिलहाल यहां आसमान से पानी नहीं, आग बरस रही है और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तो सियासत में ये खेला नहीं होता, ये मौसम का खेला है और लोग बेबस हैं, लाचार। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।